भारत माता के जयकारों के साथ में पूरा हरिपुर भारत माता के जयकारों से गूंज उठा है। बता दें यहाँ का जो लाल है वो लद्दाख में शहीद हो गए हृदय गति रुकने के चलते। हमारे पीछे आप तस्वीरों में साथ देख सकते हैं पार्थिव शरीर जो है वो हरिपुर आ चुका है। बहुत ज़्यादा टाइम लगने के बाद में आखिर लोगों की जो उम्मीदें हैं वो खरी उतरी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके जो है जो शहीद जो लाल हुआ है उसका पार्थिव शरीर आ गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जयकारों के साथ भारत माता के जयकारों के साथ में जो पार्थिव शरीर है वो आ चुका है। देख सकते हैं आप शहीद की श्रद्धांजलि में शहीद योगेंद्र का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ तमाम युवा है, हजारों की संख्या में युवा है। कुछ युवा जो है वो कठफोड़ी से पीछा करते हुए आ रहे थे, कुछ युवा जो है वो इटावा से, कुछ महवा से। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत माता के जयकारों के साथ में ये युवा जो है पूरे जोश के साथ में भारत माता के जयकारे लगाते हुए योगेंद्र प्रताप सिंह जो शहीद हुए हैं उनका जो पार्थिव शरीर है वो हरिपुर आ चुका है। देखिए ब्रेक के बाद जवान है उसका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ हरिपुर में पहुंच चुका है। बहुत लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की बात करी जाए तो सुबह लोग 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं लगातार। अगर यहाँ की बात करी जाए यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं, चाहे युवा की बात करी जाए, चाहे यहाँ की जनता की बात करी जाए, चाहे महिलाओं की बात करी जाए, लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हैं हजारों की संख्या में या हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वायुसेना के जो जवान हैं वो आ चुके हैं, वायुसेना के जो जवान हैं वो आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं तिरंगे को जो है ये लोग अभी आगे पार्थिव शरीर जो है उसको आगे चल सलामी देंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो है ये जवान का जो पार्थिव शरीर है वो रखा हुआ है फिलहाल में। मैं आपको बता दूं इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, चारों तरफ से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा युवा भारत माता के जयकारों के साथ में यहाँ पर गूंज उठा है। यहाँ पर जनता की अगर बात करी जाए जनता इन लोगों को जय हिंद भारत माता की जयकारों के साथ में यहाँ पर भीड़ उमड़ी है। आपको बता दें यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए भी लोगों का आना प्रारंभ हो चुका है। योगेंद्र प्रताप सिंह जो शहीद हुए हैं उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ हरिपुर में आ चुका है। हमारे साथ वायुसेना के जो अधिकारी हैं देवेंद्र कुमार जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर जो यहाँ पार्थिव शरीर आया है और यहाँ के जो लोग हैं जो तमाम बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह है देशभक्ति के लिए और ये हाई रखना चाहिए। जी सर, यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से सर इनके परिवार क्या संवेदना है, क्या क्या मदद आपकी तरफ से मिलेगी? आपकी जो भी एयरफोर्स देती है सब कुछ मिलेगा इनको। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में ये देवेंद्र कुमार जी थे जो कि ये वायुसेना के अधिकारी थे। इन्होंने बताया है जो भी वायुसेना से जो भी मदद हो सकेगी वो योगेंद्र प्रताप सिंह के परिवार को दी जाएगी। नाम क्या संजीव कुमार दिवाकर। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं सर कि हमारी सरकार क्या कर रही है, हम लोग इतनी मेहनत मजदूरी करके अपनी सब कुछ करके तब हम अपने भाई बहनों को वहाँ पर तक पहुँचा पाते, उस पद तक पहुँचा पाता हूँ, उसके बाद ये हादसा होता है सर। तो ये क्यों होता है सर, आखिर क्यों है? मेरी भाई की आज देखो, मेरा भाई मेरे भाई है, हम जवाहरलाल मेरा भाई है, ये उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है सर? प्लीज सर एक बार